स्टूडेंट्स मैं सैयद मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर रहे थे आज मैं उसकी एक्सरसाइज जो है आपको सॉल्व आउट करवाऊंगी तो काइंडली आप लोग अपनी बुक्स भी ओपन कर लें ताकि जो भी एमसीक्यूज या क्वेश्चन का मैं आंसर मार्क आपको करवाऊँ आप लोग साथ ही साथ उसको मार्क भी कर सकें तो आप लोग आ जाएंगे अगर पेज नंबर फोर्टी थ्री पे तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट वन जो है वो गिवन है क्योंकि एम सी क्यूज का है मैं रीड करूँगी आंसर्स बोर्ड पे लिखूँगी साथ ही साथ आप मार्क भी कीजिएगा आप पेगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल अफेक्ट्स ऑफ सन लाइट मिलानन हिमोग्लोबिन लाइमफोसाइड तो ऑप्शन वन इज योर ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर हमारी बॉडी uh, हमारी जो एपिडर्मिस होती है उस पर मेलानिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है हार्मुल uh, इफेक्ट्स जो हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो हमारी बी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर चिब्लासिस टाइफ कोविड नाइनटीन हेपाटाइटिस तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट इज फोर्थ बिलियन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डेली इन हार्ट लिवर स्प्लीन और बोन मैरो तो हमारा जो बोन मैरो होता है वो सेल्स uh, को प्रोड्यूस करता है एवरी डे तो हमारा जो डे डी uh, वाली ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल एनिमल सेल बैक्टेरियल सेल और फंगल सेल तो न्यूक्लियर में ब्रेन जो होती है वो जो बैक्टेरियल सेल होता है उसमें एबसेंट होती है तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर तो यहाँ तक हमारे जो थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन है वो कवर अप हो गया नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू विच इज़ द शॉर्ट आंसर्स इनके आंसर्स में आपको मार्क करवाती हूँ और जो एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी गिव द शॉर्ट आंसर्स डे फाइन द फॉलोइंग पैथोजें तो पैथोजेंस को हमने डिफाइन करने है तो ये अगर आप आ जाएंगे पेज नंबर थर्टी फोर पे चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको कहा था कि आप लोग मार्क अंडरलाइन कर लें इस डेफिनेशन को तो फर्स्ट टाइम में ये अगर आप देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजे इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस पैथोजेंस जो होते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं नेक्स्ट कम टू द एंटीजन्स तो एंटीजेंस के लिए अगर आप आ जाएंगे पेज नंबर थर्टी सिक्स पे तो यहाँ पर आप लोग टॉपिक थ्री पॉइंट टू की सेकेंड लाइन से आप स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूसड बाई लम्फोसाइड्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन पैथोजें द एंटीबॉडीज़ वर्क टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज एंटीजन्स विच स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन तो हमारे तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शन की तरफ कि व्हाट आर द इन्फेक्शन तो इसका भी मैंने आपको मार्क करवाया था इन्फेक्शंस की डेफिनेशन तो ये आ जाए पेज नंबर फोटी थर्टी फोर पे जहाँ पे पैथोजेंस की लाइन जो है वो डेफिनेशन जो है वो ख़त्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ़ पैथोजेंस इन टू आवर बॉडी इज़ कॉल्ड द इन्फेक्शन तो ये इन्फेक्शन की डेफिनेशन हो गई नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस का हमने बताना है कि फैगोसाइटोसिस क्या होती है तो कम टू पेज नंबर थर्टी फाइव फैगोसाइटोसिस फाइगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरन सब स्टार्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड फाइगोसाइटो फाइगोसाइट्स परफॉर्म दिस फंक्शन ये किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थ्री पॉइंट टू भी कवर अप हो चुके हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट थ्री डिस्क्राइब द फिज़िकल बैरियर्स अगेंस्ट दैथर्जन इन ह्यूमन बॉडी हमने जो है फ़िज़िकल बैरियर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ये क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम ये आ जाएँगे पेज नंबर फिज़िकल बैरियर्स पे जो है पेज नंबर थर्टी फोर पर 3.1.1 जो टॉपिक है यहाँ से लेकर फिज़िकल बैरियर्स का जो नेक्स्ट केमिकल बैरियर्स के ऊपर तक जो ये फ़िज़िकल बैरियर्स का टॉपिक खत्म हो रहा है ये आपके थ्री पैराग्राफ्स जो है वो फिज़िकल बैरियर्स का आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर वन का क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए ये लॉन्ग भी है नेक्स्ट कम टू द सेकेंड एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी अब हमने करना है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है उसको हमने एक्सप्लेन करना जो कि हमारी बॉडी में होता है नेक्स्ट आप आज जाए पेज नंबर थर्टी फाइव पे टॉपिक थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री में फैगो यहाँ से आपने आ, स्टार्ट करने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस यहाँ से लेकर जो आपका आ, ये इन्फ्लेट्री रिस्पॉन्स तक जो पैराग्राफ आपका एंड हो रहा है यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है नेक्स्ट आ जाएं आ जाए ग्रिफ गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैसोजेंस वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सप्लेन हाउ कैन दे एंटर ह्यूमन बॉडी अच्छा अब हमने वायरस बैक्टीरिया और फंजाई को जो है वो एक्सप्लेन करना है तो ये आप आ जाएंगे पेज नंबर जो है आपका थर्टी एट यहाँ पर वायरस का जो आपका आ, गिवन है यहाँ पर थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन जो टॉपिक गिवन है वायरस का ये आपका वायरस में आप लिखेंगे बैक्टीरिया में जो आपका बैक्टीरिया का एक पूरा पोर्शन गिवन है ये आप लोग लिखेंगे और फंजाई में जो फंजाई का ये एक पैराग्राफ आपको गिवन है आप लोग ये लिखेंगे नेक्स्ट uh, आते हैं व्हाट आर इन्फेक्शियस डिज़ीज़ गिव एग्जांपल्स अब हमने इन डिजीज़ेज़ का नाम बताना है कि इंफेक्शियस डिजीज़े कौन कौन सी होती हैं और उनके uh, बारे में भी बताना है कि वो किस तरह से होती है तो अगर आ, आ, ये जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री में मार्क करवाया है ये तो एज अ होल आपने वायरस को और बैक्टीरिया को फंजाई को डिफाइन कर दिया अब आपने जो है ये क्वेश्चन नंबर फोर में आपने वायरस को डिफाइन करना है इसमें आप वायरस का फर्स्ट वाला भी अगर लिख लेंगे शॉर्ट करके भी बता देंगे कि वायरस क्या होता है तो इट्स ओके तो ये इनफ होगा मोर देन इनफ होगा बैक्टेरिया का भी जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ होगा वो आप लोग लिख लेंगे और फंजाई का तो वैसे ही आ, एक ही पैराग्राफ है लेकिन इसकी भी फर्स्ट ही लाइन्स अगर आप लिख लेंगे आ, तो ये काफ़ी होगा इसकी जो ला इन सब पैराग्राफ्स के इन तीनों के लास्ट लास्ट लाइन पे जो इनकी एग्जांपल्स गिवन है वो भी इस क्वेश्चन में ज़रूर आप लिखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर कवर अप हो जाएगा नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को हमने डिफ़ाइन करना है उसके पार्ट्स को डिफ़ाइन करना है तो कम टू द पेज नंबर फोर्टी पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम यहाँ से लेकर टॉपिक थ्री पॉइंट फोर जो है वो आपका पीअर पैचज तक जो आपका यहाँ तक नेक्स्ट पेज नंबर फोर्टी वन तक पीअर पैचज तक जो आपका ये ख़त्म हो रहा है पार्ट यहाँ तक आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा नाउ कम टू द लास्ट हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शंस तो आप ये आ जाएंगे टॉपिक थ्री पॉइंट फाइव आ जाएंगे इसके जो पेज नंबर फोर्टी टू पर जो इसके फाइव सिक्स पॉइंट्स की बना ये इसका आंसर हो जाएगा तो यहाँ तक जो है हमने इसकी एक्सरसाइज भी डन कर लिया इन ताला नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी कि इसका जो चैप्टर नंबर फोर है वो मैं जल्द अज़ जल्द आपका स्टार्टअप करवा सकूँ तब तक के लिए स्टेबलेस अल्लाह हाफिज़